हेलो बहन भाइयों, राधे राधे। मैं एक नारी के शोषण में बात करना चाहती हूँ कि नारियों का अधिकतर शोषण किसके जरिए से होता है। नारियों का शोषण अधिकतर एक औरत की ही जरिए से होता है। एक औरत ही औरत का शोषण करवाती है, भाभी के रूप में, नंद के रूप में, बुआ के रूप में, सास के रूप में, बहू के रूप में। यही एक दूसरे को भड़काकर या ये आदमियों को भड़काकर या घर में किसी को भड़काकर यही एक औरत का शोषण कराती है। फिर कहते हैं औरतों पर अत्याचार हो रहे हैं, औरतों पर अत्याचार हो रहे हैं। अत्याचार तो औरत ही औरत का शोषण करा रही है तब हो रहे हैं ना अत्याचार, आदमी थोड़ी कर रहे हैं अत्याचार। आदमियों को अगर कोई औरत चाहे बहन के जरिए से भड़काओ, चाहे सास के जरिए से भड़काओ, चाहे किसी और रिलेशन के जरिए से भड़काओ, तब वो उनको भड़काती हैं, तब जाके उनका शोषण होता है। इसलिए औरत अपने आप को सुधारे, क्योंकि एक औरत ही सब रूप में है, एक औरत ही सब कुछ बनती है। वो एक रिश्ते में इतने सारे, एक औरत कितने सारे रिश्तों में बनती है, बहू के रिश्ते में, नंद के रिश्ते में, सास के रिश्ते में, ससुर के सास के रिश्ते में, मौसी के रिश्ते में, मम्मी सास के रिश्ते में, इतने सारे रिश्ते जोड़ते हैं। वही औरत हर रिश्ते में बनती है और वही औरत औरत का शोषण कराती है। जी गलत है ना? इसलिए औरतों की ही सोच बदलो, औरत अपनी सोच बदलें, ना कि आदमी शोषण नहीं करते हैं। औरत ही दुश्मन है। समाज में ले लो, मॉल पड़ोस में ले लो, रिश्तेदारियों में ले लो, वही बुराइयां करती हैं। आदमी बुराई नहीं करते, उनको इतना फुर्सत ही क्या है बेचारे को, किसी को फुर्सत नहीं है, सिर्फ औरतों के अलावा फुर्सत। इसलिए आप सभी बहनों से निवेदन है कि तुम ही हो जो औरतों की में सुधार ला सकती हो। अपने आप में सुधार लाओगी, सारी औरतों में सुधार आएगा, समाज अपना भी सुधर जाएगा, औरतों पर अत्याचार होंगे ही नहीं, क्योंकि अधिकतर तो औरतों के ही जरिए अत्याचार होते हैं औरतों पर। बस इसी बात को मैं तुम लोगों से कहना चाहती हूँ। जो भी हैं आगे शेयर करो, जो इस बात को सुन रहे हैं।